तो शाम का अपडेट यही है कि अभी शाम को लेके गए थे हम हेला को, और अब और ज़्यादा सीवियर कंडीशन है इसकी, बिल्कुल भी मतलब कि सांस सांस ले रही है ये। तो आपको अपडेट देना था तो बस ये दे दिया, वापस इसको हो गया और अब ये उससे भी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है। तो इसलिए भाई शाम को ये ठंडे ठंडे पाँव रख रही थी और मैं रचिता से रहते कि भाई नशा हो रहा है इसको, क्योंकि इसको एक इंजेक्शन लगवाना था, डॉक्टर ने बोला था हम इंजेक्शन लगवा के आए थे इसको। तो हमने यही सोचा था कि इंजेक्शन कमज़ोर है, इंजेक्शन शायद इससे नशा हो रहा है, उठ नहीं रहा है। लेकिन रात को 2-2:30 बजे के करीब इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और इसका सुसू निकल गया, तभी मेरे पास आई। मैं इस बेड पर सो रही थी इसकी के तीनों को लेके, तो तभी उसके बाद हम इसको अच्छे से वॉश करवाया और ड्रायर करवाया, तो ये अपने दूसरे मनवर रूम में बेड पे सुलाई पास में। तब इसको झटके लगे आगे आए, हाथों से इसे झटके लगते गए और इसकी गर्दन खींचती गई। बस उसके बाद फिर तेरे को बुला लिया था नीचे और फटाफट डॉक्टर को देखे। एक बार दिखा रहे हैं आपको बस, हेला अब बहुत ज़्यादा मतलब डाउन हो गया, ये सांस ले रही है बस। और सुबह डॉक्टर को 7 बजे जाके इसके ड्रिप चढ़वाई थी और फिर इसको इंजेक्शन लगाया उन्होंने, इसको फीवर भी हो गया एक्चुअली, तो एंटीबायोटिक्स दी है। और ये छोटी बड़ी है तो अब समझ नहीं आ रहा क्या करे, और अब शाम को फिर से इसको लेके गए हैं, सेम सिचुएशन है। तो और मुझे नहीं पता चल रहा था, मेरे को नहीं था कि मैं आपको बताऊंगा नहीं बताऊंगा, बट फिर मैंने सोचा कि बताना भी, आप लोगों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि अब वीडियोस वगैरह मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है भाई, दिक्कतें इतनी ज़्यादा हो रही है यार। हेला तो बच्ची है हमारी, बच्चे सारे हैं बट हेला तो हेला है यार। तो फिर बस दुआ करो, कर सकते हो तो, कि बच जाइए बस।